हमारे देश में जो आइलैंड है अंडमान निकोबार, इनकी कनेक्टिविटी के लिए अब एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसके थ्रू इन सभी आइलैंड को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों को और भारतीय इकोनॉमी में इसका योगदान बढ़ने का। यहाँ रहने वाले कुल 4.5 लाख पीपल और 400 विलेज, 572 आइलैंड, इन सभी को और कुछ ट्राइबल एरिया को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें पूरे 13 प्रोजेक्ट रन किए जाएंगे। की कॉस्ट होगी 6,330 करोड़, जो 500 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा। पूरा आइलैंड है, इसमें कनेक्ट किया जाएगा नॉर्थ, मिडल और साउथ अंडमान निकोबार। इसमें छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे काम किए जाएंगे जो इनके बीच में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इस ये जो आइलैंड है एक दूसरे से काफ़ी दूर है, अंतर से है, इसलिए इनमें छोटे मोटे प्रोजेक्ट ऐसे चलाए जाएंगे और पूरे आइलैंड को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। जिसके फ़ायदे अगर हम देखें तो एक कोने से दूसरे कोने में माल ले जाने में बहुत आसानी हो जाएगी, टूरिज़्म बढ़ेगा, इंडियन इकोनॉमी में थोड़ी बढ़ोतरी होगी इस डेवलपमेंट के थ्रू, और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये एक मेजर सी आइलैंड है। तो यहाँ से इंटरनेशनल शिप्स अपना माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे और इसका फ़ायदा हमारे देश को भी मिलेगा, और इस वजह से यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और बाकी फैसिलिटीज़ भी यहाँ अपने आप ग्रोथ करेगी, और लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे जॉब भी मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, जियोग्राफिकली ये जगह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है इंडियन नेवी के लिए, और चाइना को हिंद महासागर में रोकने के लिए ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये काम पूरा करने का जिम्मा उठाया है हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने। इनका काम बहुत ही बेहतरीन रहा है अभी तक, इसलिए होप आशा है कि ये काम भी बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। एक अनाउंसमेंट, जो लोग मुझे कहते हैं कि अपडेट दो बुलेट ट्रेन पे, तो अभी कोई अपडेट नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, पेंडेमिक का पीरियड है, आएगी तो जल्दी दे दूंगा। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।